हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, वैसे अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं है, अभी दिन के एक बज चुके हैं। पता ही नहीं चल रहा दिन कब निकल जा रहा है। अभी 12 बजे धूप आई थी। हाँ, एनीवेज मेरे को एक बात करनी थी, जैसे कि अभी मैं सोया पड़ा था, ठीक है। तो अभी काफ़ी सब्सक्राइबर्स मिलने आते रहते हैं, तो मैं सोता हूँ लेट तक, 11-12, कभी कभी 1 बजे तक भी सो जाता हूँ, क्योंकि रात को मैं ड्राइंग वगैरह बनाता हूँ ना। मेरा ओनली व्लॉग का काम नहीं है, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो रात को मैं आर्ट बनाता हूँ सुबह के 3-4-5 बजे तक। तो बेसिकली अगर मैं सुबह 4 बजे सोऊंगा तो लेट ही उठूंगा ना, तो इतने में काफ़ी लोग आ जाते हैं, मैं सोया होता हूँ, फिर ये मुझे उठाने आते हैं, फिर मैं इस पर गुस्सा होता हूँ कि मुझे क्यों उठा रहा है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो गाइस, मुझे बस ये कहना था कि सुबह सुबह मत ही आया करो, बिकॉज मैं सोया रहता हूँ। तो अगर आपको आना है तो आप शाम को आओ, 4 बजे के बाद, दिन में ही मत आना, क्योंकि अभी देखो 1 बज रहे, अभी खाना खाऊंगा, इसके बाद रेडी होऊंगा, ड्राइंग वाइंग बनाएंगे, थोड़े बहुत स्टार्ट ब्लॉग व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप ऐसे आओगे, मुझे ऐसे उठना पड़ेगा, पाल खराब, कपड़े खराब, मुँह खराब, फिर एकदम से मिलूंगा तो बिल्कुल बहुत अजीब सा ही लगेगा, पॉजिटिविटी लगेगी नहीं। एक बार अच्छे से तैयार हूँ, अच्छे से रहूँ, तो एक पॉजिटिविटी तो लगती है ना। तो हाँ, बस यही कहना था, बाकी ये तो सबसे मिल ही लेता है, ये तो जल्दी उठ जाता है सुबह सुबह, क्योंकि ये रात को जल्दी सो जाता है ना। 10-1 दिन के बाद हमको जाना है गांव, पूरी फैमिली जाएगी, इसलिए मम्मी और पापा गए हैं मार्केट शॉपिंग वगैरह करने के लिए कुछ। सो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पूरी फैमिली के साथ में जाने के लिए गाँव। ओरियो भी आएगा, ओरियो जहाँ हम जाएंगे वहाँ ओरियो जाएगा, मामा के घर जाएंगे, जो कि आपने देखा था, मामा का रिटायरमेंट है तो वहाँ पर पार्टी है, शायद न्यू ईयर भी वहीं बनाएंगे। ओलू, बड़ी मम्मी बड़े आगे हैं, चलो अच्छा अच्छा आ जाओ, क्या लाए गांव जाने के लिए, क्या लाए हो गांव जाने के लिए? चप्पल। बड़े पापा मम्मी आगे हैं। क्या है, है? मैं आप लोगों की होप में बैठा था, आएंगे कुछ खाऊंगा, मेरे सपने चूर चूर कर दिए। क्या लाती हूँ? हाँ, क्या था ले आते? कुछ होता तो लाती, भुजिया लाई, भुजिया खा ले। कौन सी? नमकीन। पूरी कटोरी में डाल के भर के ले लिया, चलो मेरा हो गया। देखो नमकीन तो आ गई, अब साथ में चाय हो जाए बस, फिर हमको जाना मार्केट, मेरे को अपनी चीज लेके आनी है फर्नीचर वाली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है, दोनों कलर सही है। कितने रुपए की है? 200 रुपए की, सही है यार, 200 रुपए में कोट मिल रहा है। क्या मैं डालोगे? उसमें देख, फोटो में देखो कितना अच्छा लग रहा है। पसंद ही नहीं है ऐसी चीज, देख ना ऐसे कह, कितना अच्छा देखिए बेटा। नो भाई, कितना देख तो कितना बढ़िया जैसा है, मेरे को पसंद नहीं है ऐसी चीज। पंडित जी हवन कराना, पंडित जी। वाह, डाली है नहीं, पहले ही वाह निकल रही है मुंह से, ओवर एक्टिंग कितनी करा लो इनसे। वैसे अच्छा तो मैं सभी चीज में लगता हूं। चाय किसने बनाई है? मैंने। मस्त बनी है, बिल्कुल मस्त। डर गया कैमरे से? डर गया मम्मी के नीचे से छुप जाता है। कुनाली के लिए भी कपड़े आ चुके हैं गांव जाने के लिए, तो चलो पहले फर्नीचर वाली शॉप पे जाता हूँ, एंड ये मेरी चप्पल को नहीं छोड़ेगा, छोड़ चप्पल दे, इसके नीचे छुप जाएगा यार। गाइस यहाँ पे ना पूरी फैमिली की चप्पल रहती है, बट इसको चाहिए सिर्फ मेरी, पता नहीं क्या है। चप्पल दे, चप्पल दे लड़की, लड़की चप्पल दे, लड़की चप्पल दे। हाँ हाँ, पीयूष की चप्पल पकड़, बोले कितने सारे हैं पागल इंसान, वो देख लड़की, वो देख भाई चप्पल, पर इसको मेरी चप्पल चाहिए, कह रहे वहाँ और चप्पलें पड़ी हैं, उनको नहीं ले जाएगा तू, तू तो आज मार खाएगा भाई। चप्पल सर, चप्पल सर भाई, और बढ़िया वहाँ पे वो ले, मेरी बदले भाई, सिलेक्ट करता है, इसको पता है मेरी चप्पल, अभी हाथ धोए थे मैंने, इसके यहाँ पे छुपा देता हूँ। चल ऊपर ऊपर चलो। गाइज आने के बाद चेक करेंगे कि मेरी चप्पल वहाँ पे पड़ी रहेगी या नहीं रहेगी। बढ़िया, चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहित। आपका? मोहित। खतरनाक वाली ठंड लग रही है मेरे को, तो ग्लव्स भी ऑर्डर कर लेता हूँ बाबा जी मैं। सो ये चीज है जो कि मैंने ऑर्डर की थी, ये वाली, इसमें शेल्स भी हैं, मिरर भी है, एंड नीचे भी हैं बॉक्स। तो गाइस फाइनली अपनी पेमेंट हो चुकी है, अब वो अपना ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा। ठंड से हालत ख़राब हो रही है मेरी,
मुझे 3-4 कपड़े डालने चाहिए थे ऊपर से। पहले तो मैं कपड़े डालता हूँ फिर जाऊंगा। मम्मी जी डालने के लिए कुछ भी दे दो मेरे को जिससे ठंड ना लगे बस। पापा जी की दे दो कोई, पापा जी के पास मोटे मोटे थे। देखो इसको मैं पकड़ता हूँ, ये है। हाँ सही तो है, डाल के देखता हूँ। दिखाइए एक बार मम्मी, बिल्कुल पतले हैं भाई। मैं भी गया था, ऐसी ठंड लग रही थी भाई, इतनी ठंड लग रही है बाइक में तो सोच भी नहीं सकता। डाल ले भाई, मैंने भी तो डाले हैं। यार बड़ी मम्मी जैकेट के बाहर से जैकेट नहीं डालते, प्लीज बड़ी मम्मी मत दो, मैं कह रहा हूँ मत दो, प्लीज 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 प्लीज। मैं ले जाऊंगा ही नहीं, मैं ले जाऊंगा ही नहीं। ये अत्याचार करते हैं ना मेरे ऊपर। ओहो अत्याचार देखना मम्मी, अत्याचार। डाल उसको अंदर, खा दो जरा इसको, दो दो। मम्मी इसके लिए कपड़े लेके आने यार। अब मार्केट गए थे ले आते इसके लिए भी कपड़े, भूल गए। तो गाइस देखो मैंने ये जैकेट भी डाल लिया, इसके नीचे हुडी भी है, इसके नीचे इनर भी है। अब ठंड नहीं लगेगी बिकॉज में बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो हालत खराब हो गई थी मेरी अभी गया मैं। ठंड से बचने का एक और तरीका है कि तेज मत चलाओ, आराम से चलने दो। और इसमें एक मस्त चीज तो ये है कि इसमें रेस देने की जरूरत नहीं है हमको। क्या लेना अपने को? इलेक्ट्रिक केटल। इसको यूज किस तरह से करते हैं? ये नीचे लगाओ, ये इसके ऊपर, इसमें मतलब खाना पका भी बना भी सकते हैं पूरा। कितने का पड़ेगा ये? बड़ा मजा आता है यार क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर से मिलके। सो गाइस बात ऐसी, अभी हम घर पे आ चुके हैं और जैसे कि आपने देखा हमने इलेक्ट्रिक केटल लिया, फर्स्ट टाइम मैंने लिया बिकॉज मेरे को स्टूडियो के लिए चाहिए होता है पानी। अब ठंड आ गया तो गर्म पानी पियेंगे और चाय अपनी फेवरेट अब रात को बना सकते हैं अपने स्टूडियो में ही, नीचे नहीं आना पड़ेगा। इसमें अभी फिलहाल हम टेस्ट कर रहे हैं पानी उबाल के, मतलब अभी डाला था और इतनी जल्दी उबल भी गया, काफी फास्ट है। और मम्मी ये आपके लिए भी सरप्राइज आने वाला है। वाओ गाइस पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, देखो ये फटेगा। बंद हो गया, फटेगा, बंद हो गया, बंद हो गया, खुद ही बंद हो गया। आप में से ऑलरेडी बहुत लोग, सभी के घर में होगा, हमारे नहीं है इसलिए हम ऐसे फील कर रहे हैं, बट अच्छा लग रहा है। आपका दूध उबल रहा है, दूध ना के निकल जाएगा, नहीं निकलता। खोलने की जरूरत नहीं है, पता यहाँ से निकल जाता है। तो बंद कर उसको, बंद कर। ये क्या था? बच्चे हैं वो। देख लो, अब देख लो पागल हो रहे हैं, कैसे चीख के जा रहे हैं। सौरभ जोशी ये उबला पानी है, हाँ हाथ उठ में गिरेगा भविष्य। ये जो चीज है ना ये पापा जी पीते हैं, और एक दिन आपको दिखाया था पीयूष ने मेरे को पिला दिया था, पता नहीं पापा जी कैसे पी लेते इसको। सिर्फ घर में पापा जी पीते हैं, हमारे फ्रिज में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। थोड़ी मिलेगा, छोटी मोटी सब्जियां मिलेंगी यहाँ पे, और सबसे ज्यादा यहाँ पर बर्फ ही बर्फ मिलेगी। और क्या होता है, और यहाँ बर्फ मिलेगी, और यहाँ पे थोड़ा दूध है, और पता नहीं क्या क्या डेग, यहाँ पे थोड़ी सब्जी, यहाँ है बस यही है। यहाँ प्रीमियम क्वालिटी का फ्रिज है ना, पापा जी के स्ट्रगल टाइम का फ्रिज है ये। छोड़ मेरा ब्रश, छोड़ दे ओरी, ओरी को भी ब्रश करना है भाई ब्रश। इसने यहाँ पे तो मुंह नहीं लगाया होगा ना, यहाँ पे नहीं लगाया। अच्छा बच्चा इसको पता है, नहीं छोड़ूंगा। ये कितना क्यूट लग रहा है, इसके हाथ देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना, इसके लिए ऐसे ऐसे कपड़े मम्मी को बोलता हूँ और बनाओ। तो अभी हमारा नया राउटर आ चुका है, देखो ये रहा। चलो अब अपन भी डिनर करके आते हैं। खाना मैं ऊपर ही ले आया हूँ, यहाँ पे रोटी सब्जी और गाजर का हलवा, और साथ में व्लॉग, बर्थडे व्लॉग। सो यहाँ पे सोफे लगा के मैंने बिल्कुल सही किया, सामने टीवी है अपना, कुछ भी देखना हो तो देख सकते हैं। वैसे मैं कुछ देखता नहीं हूँ, ओनली 2-3 चैनल के व्लॉग्स ही देखता हूँ। ऊपर खाने में एक प्रॉब्लम होती है कि रोटी एक्स्ट्रा चाहिए हो तो नीचे जाना पड़ता है, तो चलो मैं जल्दी लेके आता हूँ। एक रोटी चाहिए ना, ना बस आप खाओ। तो अभी अभी जस्ट मैं खाना खाया था और मैंने क्या देखा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कंबल खींच के लेके जा रहा था, और कंबल के अंदर मैं तो भूल ही गया था यार कि मेरे को आके चप्पल चेक करनी है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो मेरी ही चप्पल,
पता नहीं कभी ऊपर लेके आया और वहां रखी इसने, बड़ा दुष्ट हो गया यार। तो अभी 11 बज चुके हैं और मेरी फाइनल ईयर रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, काफी जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी मैंने कर ली। और मैं देखो कैसे बैठता हूँ, इस तरह से पैरों में पूरा नीचे तक कंबल डाल लेता हूँ और शूज तो डाल ही रखे हैं, ऊपर से तो देखा होगा 3-4 कपड़े डाल रखे हैं, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। तो विंटर्स ना मेरे को इसलिए पसंद नहीं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ये थोड़े बहुत जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। बट जो भी है सही है, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूं। अगर पसंद आया तो लाइक करके जाना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, वो मेरा ड्रेसिंग टेबल उन्होंने भेजा ही नहीं, उनको पेमेंट करा है मैं पूरी, वो कह रहे थे शाम तक भेज देंगे, भेजा ही नहीं, शायद कल भेजेंगे, कॉल करूंगा। बट जो भी है गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस बात ऐसी है, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है जाने की, मजा आएगा, मजा आएगा। और भी नाच रहा है, और भी नाच रहा है, वो कह रहे मेरे को भी ले जाएंगे तो मैं भी नाचूंगा।